की बात कर रहे थे तो उन्हें किस बेसिस uh, पे अपने आइडिया को इवेल्युएट करना चाहिए देखना चाहिए वेदर इट इज अ फीजेबल बिजनेस आइडिया वेदर इट विल तो उसके कुछ मॉडल्स लिटरेचर में हमें मिलते हैं

ज इट हैल एक्टिंग मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है, uh, है, uh, e जो जो है क्या वो जो आप सोच रहे हैं उसको डिलीवर करने के लिए सक्षम है कि नहीं तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हम लोगों ने बात की जो तीनों क्रिटिकल फैक्टर्स जो है ये कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं रैम्प मॉडल के अंदर जो हमने रैम्प के अंदर देखा था कि भाई व्हाट इज द रिटर्न व्हाट इज द व्हाट आर द मार्केट एडवांटेजेज व्हाट व पोटेंशियल उन्हीं से मिलते जुलते हैं इसीलिए uh, ये बात गलत नहीं होगी अगर मैं बोलूं कि जो रैम्प मॉडल को अगर आप थोड़ा सा एक्सपांड करें थोड़ा सा और माइन्यूटली देखे तो इट विल रिजल्ट इन टू योविन फ्रेमवर्क ये सेवन डोमेन फ्रेमवर्क है वो ऐसा दिखता है यहां पे जो तीन जो आपकी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स थे तीन जो की फैक्टर्स थे उनको डिवाइड किया गया है सेवन डोमेन्स uh, के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर मार्केट डोमेन माइक्रो लेवल देन योर मार्केट डोमेन माइक्रो लेवल इंडस्ट्री डोमेन माइक्रो लेवल इंडस्ट्री डोमेन माइक्रो लेवल टीम डोमेन एस्पिशन टीम डोमेन केपेबिलिटी ऑफ एक्जीक्यूशन एंड टीम डोमेन कनेक्शन माइक्रो लेवल

माइक्रो लेवल पर एक बार ब्रॉड लेवल पे देखने के बाद आपको अपनी टारगेट मार्केट सेगमेंट पे फोकस करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कि टारगेट जो मार्केट है जिस मार्केट सेगमेंट को आप टारगेट करना चाहते हो वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द टारगेट मार्केट मार्केट सेगमेंट द कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे द प्रीमियम प्राइसेस जो आप जिन लोगों को आप टारगेट uh, करना चाहते हैं ऑब्वियसली आप अपना जो प्रोडक्ट बेचेंगे यू विल ट्राई टू सेल सेल इट इट ऑन ऑन अ अ प्रॉफिट यू विल ट्राई टू प्रीमियम प्राइस आर द कस्टमर्स रेडी टू प्रे द डिफरेंसिएशन इन योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विस इन द मार्केट आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस ऑलरेडी जो मार्केट के अंदर आपके कॉम्पिटिटर्स है उससे कैसे अलग है वाई शुड आई एज अ कस्टमर कम टू यू इंस्टेड ऑफ गोइंग टू योर कॉम्पिटिटर उसको कहीं कही ना कहीं आपको एनालाइज करना पड़ेगा वट इज द साइज ऑफ द मार्केट सेगमेंट एंड द फेज ऑफ द ग्रोथ कितनी बड़ी मार्केट है आपका जो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया एक ओवरऑल मार्केट की तरह देखते हैं उसके अंदर अगर आप यूथ को टारगेट कर रहे हैं तो यूथ इज अ वेरी बिग मार्केट सेगमेंट इन इंडिया तो व्हाट इज द साइज इतना अगर आप इतनी बड़ी मार्केट को uh, uh, को सेगमेंट टारगेट कर रहे हैं इट इज अ गुड बट वहां पे उसमें आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो आपकी सर्विस है उसका फेज ऑफ ग्रोथ क्या है इज इट अ डाइंग मार्केट या फिर ग्रोइंग मार्केट या फिर मार्केट सैचुरेट हो गया ऑलरेडी देर आर टू मेनी

जैसे रोल वाले जो कैमरा थे जो आपके रील वाले जो कैमराज थे देवर डिस्प्लेस बाय डिजिटल कैमराज एंड दे आर नाउ अगेन बीन डिस्प्लेसड बाई मोबाइल फोन कैमराज सो वट इज द्रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई दंप्यूटर्स ऑफ दल इंडस्ट्री बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स और बायर्स की कैसी है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वहां पे कितने मार्जिन पे काम होता जो है आपके सप्लायर्स कितने है, a monopsis, it is, uh, an वो आपको देखना पड़ेगा अ पोजिशन ऑफ एडवांटेज और आर ऑन द मर्सी चीज को स्टडी करना पड़ेगा कॉम्पिटेटिव राइवलरी इन थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया uh, एक और एग्जांपल देख लेते हैं चलिए कि फॉर एग्जांपल सोडाज कोल्ड ड्रिंक्स थम्स अप कोका कोला पेप्सी ये सब राइट नाउ दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ कंपटीशन नॉट विथ ईच अदर पहले खुद से तो लड़ ही रहे थे देयर वाज अ थ्रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय कॉम्पिटिटर्स अब क्या हो रहा है दे आर बीइंग थ्रेटनड बाय द सब्स्टिट्यूट्स एज़ वेल बिकॉज़ जैसे-जैसे हमारी जो

या फिर एनर्जी ड्रिंक्स हेल्थ ड्रिंक्स डाइट या फिर इवन होम ब्रूइंग लोग बहुत करने लग गए हैं सो so, इन सब चीजों से इनको बहुत ही ज्यादा थ्रेट फील हो रहा है सो नॉट ओनली दे आर दे आर दे हैव टू वॉच आउट फॉर देयर कॉम्पिटिटर्स पर ये भी देखना है कि कंज्यूमर या कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को कौन से सब्सटीट्यूट से रिप्लेस कर सकता है नेक्स्ट इज इंडस्ट्री डोमेन माइक्रो लेवल अब माइक्रो लेवल पे आपको बारीकी से देखना पड़ेगा कि मेरे पर्टिकुलर इंडस्ट्री या मैं जिस प्रोडक्ट या सर्विस में जाना चाहता हूं वट इज द सस्टेनेबल एडवांटेज ऑफ दैट इंडस्ट्री नाउ जो मेरा वेंचर है डू आई हैव प्रोप्राइटरी जैसे कि मेरे पास कोई पेटेंट या सीक्रेट एक्सेट्रा है जो किसी और फॉर्म जिसको ना वो अक्वायर कर सकता है डुप्लीकेट कर सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई मेडिसिन बनाता हूँ और उसको मैं पेटेंट कर सकता हूँ तो ऑब्वियसली आने वाले 20 साल तक कोई और उसको यूज़ करके दवाई को नहीं बना पाएगा या मैं अगर कोई मशीन डेवलप करता हूँ प्रोसेस डेवलप करता हूँ जिसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता है, सिर्फ मेरे पास एक्सक्लूसिव पेटेंट है तो ऑब्वियसली नो बडी विल बी एबल टू डुप्लीकेट और इमिटेटेड या फिर चलिए पेटेंट को साइड में रखिए मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई कुक सर्टन में डिश बनाता हूँ Uh, मैं कोई पनीर की डिश या फिर बटर चिकन की जैसे uh, बॉम्बे में बहुत एक फे, फेमस है गोहला बटर चिकन तो उनके जो शेफ है सारांश गोयेला उन्होंने जो रेसिपी डिजाइन की है वो बटर चिकन बटर चिकन इज अ वेरी कॉमन रेसिपी पर उसको उनकी जो पर्टिकुलर रेसिपी है उसको रेप्लीकेट करना डुप्लीकेट करना ईजी नहीं है बिकॉज ही एज अ सीक्रेट इन्ग्रीडियंट तो इस चीज के दैट डेफिनेटली गिव द एन एडवांटेज ओवर द अदर कॉम्पिटिटर्स अदर प्लेयर्स इन द मार्केट

बट इज इट इकोनॉमिकली वायबल मार्केट के अंदर जो आपके लास्ट में देखिए हम बिजनेस इसलिए करते हैं बिकॉज वी नीड टू टू अर्न प्रॉफिट प्रॉफिट तो विल यू बी एबल जनरेट और प्रॉफिटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस चीज को आपको स्टडी करना पड़ेगा अब आ जाते हैं टीम एस्पेक्ट टीम डोमेन के ऊपर सबसे पहले तो एस्पिरेशन तो जो आप बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं

क्या वो लोग इतने कनेक्टेड है कि कुछ भी अगर मार्केट में चेंज होता, होता है तो कैन क्विकली और नहीं तो आप वहीं पे कोई मार्केट में क्या हो रहा है वो टॉप मैनेजमेंट को पता ही नहीं है और टॉप मैनेजमेंट क्या सोच रही है जो लास्ट प्लेयर ऑन द ग्राउंड को मालूम ही नहीं है तो देर विल बी है इनको अगर हम कंसीडर करते हैं तो इट विल

कि आप अपने आसपास जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस देखिए जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज देखिए सॉफ्टवेयर जॉइंट देखिए टेक कंपनीज देखिए कार मैन्युफैक्चर देखिए उन सब ने एक ऐसी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व की जो फील तो सबको हो रही थी बट उसका सॉल्यूशन एक व्यक्ति या एक अंतरप्रोर या एक पर्टिकुलर टीम लेके आई जिसने लोगों के काम करने का और जीने का तरीका बदल दिया उसके लिए ही लोग आपको कुछ भी पे करने को तैयार रहेंगे सो दैट्स इथ थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद्रंपी प्रोफेर इफ यू आर स्टिल लिसनिंग इफ यहाँ तक है प्लीज हिट दैट लाइक बटन डेफिनेटली हेल्प मी अलॉट शेयर दिस वीडियो विथ योर फेलो क्लासमेट्स उनको भी एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करेगा इफ यू वॉन्ट टू कीप लर्निंग विद मी आई इन्वाइट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल आई प्रॉमस आई एल कीप ऑन पुटिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट ड्रॉप मी अमेंट अगर आपको कुछ कोई पर्टिक्युलर टॉपिक सीखना है ना सिर्फ आंत नॉशेप बट किसी भी बारे में जिसमें अगर मैं वीडियो बना सकता हूँ आई डेफिटली मेक इट फॉर यू आई गिव यू शाउट आउट ऑल्सो थैंक यू